Hi everyone, I am making this video that how I failed in the prelims, how I didn't make it through, or what are my mistakes which I have done. And I think बहुत से लोगों ने वो की होंगी, सिर्फ इस वजह से नहीं की कि उनमें नॉलेज नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है कि बिकॉज लाइक मी वो भी अंडर प्रेशर आ गए हों एंड दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर नॉलेज दैट दे हैव and they haven't read enough content, they don't know, they have not enough knowledge. So I think Hi everyone, I am just making this video that how I failed in the prelims, how I didn't make it through, what are my mistakes. और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए हैं जो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं किसी वजह से. एंड आई वांट टू टेल यू आर नॉट अलोन. एंड मैं ये चीज़ खुल के बोल रहा हूँ कि मेरी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी सिली मिस्टेक्स रही हैं जिस वजह से मेरा नहीं हुआ. एंड आई डोंट हैव एनी इशू इन टेलिंग इट, बिकॉज अगर मैं उसकी अथॉरिटी नहीं लूँगा कि जो मेरे डिसीजन हैं, सो आई वुड मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ही मानता हूँ, क्योंकि जो मेरे हाथ में था मैंने वो गलत किया. एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ, टफ था, वो सब हमारे हाथ में नहीं है. एज एस्पिरेंट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, और वही चीज़ हमें ये प्रिपरेशन सिखाती है कि हाउ टू डील विद प्रेशर सिचुएशन, जो कि मैं नहीं कर पाया इस बार. तो आई विल टेल यू द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम वन डे बिफोर द एग्ज़ाम इन 27th में. आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, तो मैंने उससे पूछा यार, बिकॉज एवरीवन इज एंशियस, सबको डर लगता है, तो भाई मुझे लग रहा था. तो मैंने उससे पूछा यार कि मुझे डर लग रहा है कि कैसा हो जाएगा कैसा नहीं जाएगा. तो उसने मुझसे एक बात बोली कि यू जस्ट गो विद द इंस्टिंक्ट. अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कम आंसर आने के चांसेस हैं, तो जो पहले ऑप्शन इंस्टिंक्टली आपको गट से भी रहा है वो वाला ही क्वेश्चन टेक करना, क्योंकि अगर लोग डबल माइंड होते हैं तो मोस्टली वो गलत क्वेश्चन गलत ऑप्शन ही टेक करके आते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, कह रही है तो एक बार सुन लेते हैं. सुन लिया मैंने और मैं गया और मैंने स्पॉइल कर दिया एग्ज़ाम. तो उसके कुछ दिन बाद जब रिज़ल्ट आया, जब लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो फिर उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ना स्टार्ट की. उसका बुक का नाम था स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक. और उस बुक में हमारे ब्रेन को डिफ्रेंशिएट किया है, न्यू कॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन, और उसके बारे में बताया हुआ है. तो न्यू कॉर्टेक्स जो है वो रेशनल डिसीजन और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और लिम्बिक ब्रेन हमारे इमोशंस को बताता है. जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने उस पर्सन से शादी की, तो कई लोग पूछते हैं कि आपने उसी पर्सन से शादी क्यों की, तो लोग नहीं बता पाते क्योंकि ये काम लिम्बिक ब्रेन का है, इमोशंस फीलिंग्स का, जिसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती. इट इज़ जस्ट अबाउट द इंस्टिंक्ट और फीलिंग इट राइट. तो यही एक बुक का एक चैप्टर है, गट डिसीजंस डोंट हैपन इन योर स्टमक. तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे अप्लाई होती है वो आप देखते हैं. तो मैं बताता हूँ कि नॉलेज अकेला आपका एक फैक्टर नहीं हो सकता इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का. यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस अबाउट योर नॉलेज. आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा खुद पे कि आपने जो रिसोर्सेज पढ़े हैं वो रिलायबल थे, और आपको जितना आता है वो इनफ है ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. मेरे हिसाब से आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज और ये एग्ज़ाम में क्लियर कर सकता था, बट आई लैक कॉन्फिडेंस, आई हैव लेस ट्रस्ट इन माई नॉलेज, और उसी वजह से ये एग्ज़ाम मैंने स्पॉइल किया है.
तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एग्ज़ाम 3 टाइप में देता हूँ, कि फर्स्ट में जो मेरे को 100% क्वेश्चन सही लगते हैं मैं वो लगाता हूँ, फिर 50-50, फिर 1/3 में 1-2 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है गट फीलिंग से कि सही हो सकते हैं, तो देखते हैं कि मैंने क्या गलत किया। ये क्वेश्चन जो कि 15th फाइनेंस कमीशन पे है और इसकी कैटेगरीज हैं जिनके बिहाफ पे डेवोल्यूशन होता है मनी का, तो ये क्वेश्चन मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने अपनी एक यूट्यूब वीडियो में या कहीं पर बोला था स्पेसिफिकली कि 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आना प्रोबेबली बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इसके। तो मैंने बहुत अच्छे से इनका पढ़ा 14th और 15th को कंपेयर करके कि ये किस किस बेसिस पे देते हैं, ये किस किस बेसिस, वो मुझे आता था। मैं गया, मैंने एग्ज़ाम ये देखा, इसमें क्वेश्चन था कि अदर देन पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्टेंस के अलावा कौन कौन से हैं कमीशन में क्राइटेरिया, तो मैंने 3 पे टिक किया, आगे बढ़ गया। फिर ये क्वेश्चन था ग्रीन हाइड्रोजन पे, सबने पढ़ा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बाद, और ऊपर से साइंस के क्वेश्चंस की एक खासियत होती है कि इनमें पॉसिबिलिटी आगे के लिए रखने के लिए, तो कैन बी मे बी ये सब होता है, तो इसमें क्वेश्चन में था जो हम एक्सट्रीम वर्ड्स ढूंढते हैं करीब करीब डायरेक्शन वर्ड्स, इसमें कैन बी कैन बी कैन बी था। मैंने ये तीनों पढ़ के मैंने कहा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं और मैंने ऑल 3 पे किया, आगे बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ एटमोसफेयर, तो मैंने ये पढ़ा था एक बुक में कि वाटर वेपर्स ही एक ऐसे कंपाउंड हैं जो यूवी और इंफ्रारेड दोनों को ब्लॉक करते हैं, तो मैंने ये देखा और मैंने लगाया, मैं आगे बढ़ा। फर्स्ट राउंड की बात हो रही है, फिर उसके बाद ये थर्मल पावर प्लांट्स में नन ऑफ देम, ये एक्सट्रीम वर्ड्स तो हमेशा से सदियों से सुनते आ रहे हैं कि एक्सट्रीम वर्ड्स, तो इसका आंसर भी नन होगा, मैंने ये नन किया, आगे बढ़ गया। मैंने आईआर मुझे बहुत पसंद है तो आईआर में काफ़ी पढ़ता हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता था। मैंने देखा दोनबास यूक्रेन है, कांचिन ये म्यांमार की एक जगह है, और टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बारे में मैंने सुना था, तो मुझे इथोपिया था, और यमन मुझे इसलिए पता था कि यमन नहीं है क्योंकि यमन में हूती रेबेल्स हैं, तो मैंने ये देखा, मैंने रन किया। फिर आया मैं सेकेंड राउंड में, तो मैंने 50-50% वाले क्वेश्चन अपने किए 1/2, और फिर 1/3 आते आते टाइम ही बहुत कम बचा था, तो मैंने एक बार चेक करने के लिए कि चलो मैं OMR भरता हूँ, मैंने सिर्फ पेंसिल से अभी क्वेश्चन पेपर पर टिक किया, तो एक बार देख लेता। जब मैं आया तब मैंने फिर से इन क्वेश्चंस पे नज़र डाली, तब मैंने अपने आप को डाउट करना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन सही कैसे कर सकता हूँ, ये तो कैसे कर सकता हूँ मैं अपनी नॉलेज पे क्वेश्चन किया मैंने, और मैंने फिर डबल माइंड करके इसे देखा, और फिर मैंने ये क्वेश्चन को फिर से पढ़ा, तब मैंने देखा कि स्टेबल गवर्नमेंट भी कोई चांस है क्या, तो फिर मैंने रिकॉल किया, तो मैंने वो स्टेबल गवर्नमेंट को सही समझ के ओनली 4 लगाया, मैंने ये गलत किया। फिर ऐसे ही मैंने इन सारे क्वेश्चन के साथ किया, अपने आप को खुद मैंने बेवकूफ़ बनाया, और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैंने गलत किए। अब ये 5 क्वेश्चन जब गलत करने के बाद अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने 10 10 नंबर तो वैसे ही ख़राब कर लिए, और साथ में मैंने माइनस मार्किंग अट्रैक्ट कर ली है 3.3 मार्क्स की, यानी कि मैं 13 नंबर छोड़ के आया हूँ अपनी तरफ से। मेरे अनअकैडमी की आंसर की से 78 आ रहे थे, और स्लीपी क्लासेस की आंसर की से मेरे आ रहे थे 86, तो मुझे लगता है अगर मैंने ये क्वेश्चन गलत ना किए होते तो आई वुड बी अराउंड 100 और 95 के आसपास में होता, तो मैं कहीं से भी प्रीलिम्स नहीं छूट रहा था मेरा, पर बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस अबाउट माई सेल्फ मैंने ये गलत किया। और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ ये पर्पज़ है कि जो लोग पढ़ते बहुत हैं, और जैसे मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, मैंने भी बहुत मेहनत की है, पर अपने ही आप पे ट्रस्ट नहीं रखते कि उन्हें भी उतना ही आता है जितना सामने वाले को आता है या और बाकी कंपिटिटर्स को आता है, तो वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं जो कि फंडामेंटल नीड है टू हैविंग ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। और ये वीडियो सिर्फ मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जिनने भी ऐसी किसी ने गलती की है तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि वो ऐसे अकेले हैं, क्योंकि मैं खुल के यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसके बारे में कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है जिसकी वजह से आई हैव टू सेक्रीफाइस 1 ईयर, और 1 साल मुझे फिर से पूरा प्रोसेस में जाना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 1 साल चलता है। तो इट वॉज़ माई फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, और मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि
मैं आराम से ये कर सकता था क्लियर, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ एग्ज़ाम का हम कैसे डील करेंगे वो है, ना कि एग्ज़ाम का हम पैटर्न डिसाइड करें कि कैसा आना चाहिए कैसा नहीं आना चाहिए। इट इज़ अप टू द कमीशन वो कैसा एग्ज़ाम का पेपर बनाती है। तो इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था, नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस। और आई थिंक कि नॉलेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो अगर मेरी तरह ये 10 या 12 नंबर का आप एग्ज़ाम में गलत करके आते हो तो कहीं से कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि आप हाफ मार्क्स के लिए भी यहाँ पे बहुत लड़ाई होती है, यू नो दैट। और मैं 13 नंबर 13.5 नंबर का क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी कर सकता था। और ये एग्ज़ाम मुझे लगता है कि ये प्रेशर डील करना भी सिखाता है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या आप कल के दिन करेंगे काम, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि आप प्रेशर सिचुएशंस में आके कैसे डिसीजन लेते हो, आप काम रहते हो या नहीं रहते हो, आप रैशनली सोच पाते हो या नहीं सोच पाते। सो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो को बनाने का पर्पस कि यू आर नॉट अलोन। जिन्होंने क्लियर नहीं किया है, वी हैव लर्न आर लेसन्स, नाउ जस्ट स्टिक टू द प्लान जो आपने बनाया है, और अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया है कि मैंने कैसे ये एग्ज़ाम अपना 1 साल पूरा स्पॉइल किया है इस वजह से। और जो कर रहे हैं आप करते रहिए, क्योंकि आपने सुबह उठ के रोज़ मेहनत की है, और आपको बताएगी आप रोज़ उठते हो रोज़ मेहनत करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब बर्बाद जाएगा, कुछ भी बर्बाद नहीं जाता है, आपके एफर्ट्स कभी बर्बाद नहीं जाते हैं। इन दी लास्ट आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, वन और टू क्वेश्चन, कि नेक्स्ट वीडियो में अपनी अप्रोच के ऊपर लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैं 2024 का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो वॉट इज़ माई जी एस अप्रोच एंड वॉट इज़ माई प्लान लुक लाइक, तो GS1 का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, और मैं क्या सोच रहा हूँ अगले 60 दिन में उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूँ कि आप बताइए कमेंट्स में कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड योर UPSC CSE प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।